नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित सुरेश भाई शास्त्री गुरुजी, हमारे YouTube चैनल ब्लैक मैजिक वशीकरण गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको शमशान में विशेष महाशक्तिशाली वशीकरण साधना किस प्रकार से की जाती है। सिर्फ महीने में एक दिन आता है जिसमें कोई सामान्य नहीं, बहुत ही शक्तिशाली वशीकरण साधना हम करते हैं हमारे यजमान के लिए। जो साधना हम करते हैं वही मैं आपको दिखाता हूँ। ये साधना करने के लिए आपको पूर्व वशीकरण साधना करने के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करके काले वस्त्र, लाल कलर का आसन बिछाकर आपको बैठना है दोस्तों। और फिर एक आटे का पुतला इस प्रकार से आपको बनाना है। जो भी सामग्री आप काम में लेते हैं वो शमशान में वो विशेष सामग्री होती हैं। कुछ पुष्प रहेंगे गुलाब के और मोगरे के, और जिसको भी वश में करना चाहते हैं स्त्री को उसका फोटो, क्योंकि ये शमशान की साधना लगभग वही कर सकता है जो शिव साधना, सब साधना और शमशान की साधना को जानता हो, तो ही एक महाशक्तिशाली वशीकरण अमावस्या की दिन कर सकता है। अमावस्या की रात्रि को वही साधक कर सकता है जो शिव साधना, शमशान साधना और सब साधना में पारंगत हो। तो ये साधना करने के लिए दोस्तों सुगंधित आप धूप ले लीजिए जो पूजा की दुकान से मिलेगा वो, कुछ चंदन की लकड़ी के टुकड़े, कुछ ऊद लोबान, ऊद गुगल ले लीजिए, कुछ धूप अच्छे से, ये जो दुकान पे मिलते हैं वो है शुभम, ये जो मैंने अच्छे अच्छे धूप दिए सर्व सिद्धि मनोकामना धूप, और थोड़ी सी हल्दी, चंदन, पुष्प, कुछ गोबर के उपले। पूरी सामग्री को अच्छे से देख लीजिए। जो मेरे भाई साधक है वो ये साधना, कुछ शराब ले लीजिए आप, कच्ची शराब या कोई भी इंग्लिश शराब चलेगी, और जो मंत्र रहेगा वो विशेष मंत्र रहेगा जो सिर्फ आपको काली चौदस और अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण इन विशेष तिथियों में, और होली के दिन विशेष ये साधना महाशक्तिशाली वशीकरण साधना होती हैं। तो दोस्तों, ये साधना करने के लिए सबसे पहले आप हवन शमशान का ईशान कोण ले लीजिए। शमशान का ईशान कोण होना चाहिए। उस ईशान कोण में आप ये सब साधना करने के लिए आप किसी स्थान का चयन कर लीजिए। फिर दोस्तों, 5 अगरबत्ती, आपके पास खुशिद खोपड़ी नहीं होगी तो भी चलेगा, भैरव माला नहीं है तो भी चलेगा, सामान्य सी सामग्री है, ये सामग्री आप पूजा की दुकान पर आराम से मिल जाएगी। और इस साधना को करने के लिए मन को एकाग्र कर लीजिए, और 5 अगरबत्ती माँ कामाख्या को करनी है, और प्रार्थना करनी है कि मैं जो आज साधना अमावस्या को अमुक तिथि अमुक नक्षत्र में जो करने जा रहा हूँ, ये साधना सफल और सिद्ध हो, और मेरा प्रेमी मेरे पास में जहाँ कहीं भी हो, किसी भी कारण से रूठ गया हो, या उसके ऊपर कोई तंत्र मंत्र बाधा कर दिया हो, या कोई भी रीजन रहा हो, वह आपके पास में आना ही आना है, ऐसी भगवान से साधना और प्रार्थना करने के लिए इस साधना में आदेश लेना है। फिर दोस्तों, उस पुतले के ऊपर थोड़ा सा हल्दी, चंदन, पुष्प, थोड़े से पुष्प अर्पित करने हैं, और फिर दोस्तों थोड़ा सा लोबान गूगल थोड़ा सा आप उस पर डाल दीजिए पुतले के ऊपर, और थोड़ा सा पुष्प, हम जिस प्रकार पूजा करते हैं वो कापालिक साधना करते हैं, और कपाल और कपाल को ये माला अर्पित करनी है और माला पहनानी है कपाल को। फिर दोस्तों, आपको सिर्फ सामान्य ऐसा पुतला बना के उसके ऊपर हल्दी, चंदन, अमीर, गुलाल, कुमकुम सब वगैरह डाल दीजिए, थोड़ी शराब डाल देना है उसके पुतले के ऊपर, कुछ इत्र सुगंधित द्रव्य इत्र भी इसके ऊपर डाल देना है, कुछ गोबर के उपले आप अच्छे से जला लीजिए, और जो अच्छे अच्छे धूप है उनको भी आप हवन की जो सामग्री है उसमें मिक्स कर दीजिए। ये है अच्छा सा धूप जो पूजा पे दुकान पे मिल जाएगा, शुभम,
कोई भी शुभ कार्य, अच्छा कार्य करने के लिए शुभम। और फिर आप ले लीजिए दोस्तों सर्व मनोकामना सिद्धि धूप, बहुत थोड़े महंगे आते हैं लेकिन काम अमावस्या के दिन विशेष वशीकरण साधना में काम आते हैं। और फिर आप ले लीजिए रक्त चंदन धूप, और ये रक्त चंदन, इस प्रकार से ये रक्त चंदन धूप है, बहुत ही महंगे महंगे धूपों का काम करते हैं क्योंकि ये विशेष पूजा है अमावस्या की जो कभी फैल नहीं जाती है। और एक विशेष मंत्र जो रहेगा वो अमावस्या को, वो इस प्रकार से रहेगा, और आप आहुति देंगे 1108 आहुति मंत्र से देंगे, वो है ओम नमो काली के काल रूप रक्त बीज नाशिनी मम कामना पूर्ति कुरु कुरु स्वाहा। इस प्रकार से आप आहुति देंगे, फिर एक बार देख लीजिए मंत्र इस प्रकार से रहेगा, ओम नमो काल के काल रूप रक्त बीज नाशिनी मम कामना पूर्ति कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो काल के काल रूप रक्त बीज नाशिनी मम कामना पूर्ति कुरु कुरु स्वाहा। अगर आप वशीकरण साधना में जो कामना बोलेंगे माँ कामाख्या देवी को, तो वही साधना, वही कार्य, आपका कार्य सिद्ध होगा। और दोस्तों अगर आप कोई और भी साधना या कोई भी और कोई कार्य कराना चाहते हैं या हमसे कराना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट करें। हमारी शाखाएं लगभग देश के हर कोने में हैं, दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद, बेंगलोर, पुणे, महाराष्ट्र में, और विशेष करके राजस्थान, जोधपुर में, वहाँ पर भी आप हमारी साधना अवेलेबल है, कोई भी आप करवा सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये साधना की जाती है। जो भी भाई साधक हैं, स्त्री या लड़की कोई भी शमशान में नहीं जा सकती हैं, लेकिन कोई भी भाई साधक अगर जाकर ये मेरे जो बताया अनुसार विधि विधान से अगर साधना करता है तो उसको निश्चित रूप से सफलता मिलती है। थोड़े से आप चंदन के टुकड़े हवन में डाल दीजिए, अगर आप उससे शादी करना चाहते हैं तो उस पुतले के ऊपर जिस स्त्री को आप शादी करना चाहते हैं तो उसका मंगल, एक इस प्रकार से एक मंगलसूत्र आप बाजार से लेके आइए, और मंगलसूत्र को भी आप इस प्रकार से उसके ऊपर, पुतले के ऊपर इस प्रकार से रख दीजिए, और फिर आपकी कंटिन्यूस 1108 आहुति इस मंत्र जो मैंने बताया है, इस मंत्र की आपको कंटिन्यूस 1108 आहुति देनी है। उसके बाद में दोस्तों आपको शमशान की जो हांडी रहेगी उस हांडी के अंदर ये सभी सामग्री को पुतला सहित उसके अंदर डाल देना है, और काले कपड़े से बांध कर जहाँ पर आपने साधना की है शमशान में, ईशान कोने में, और उसी ईशान कोने के अंदर आपको इस हांडी को और पुतले को दबा कर आपकी जो भी सामग्री है उसको समेट कर वापस सुबह अर्ली मॉर्निंग में 5-6 बजे तक ये साधना समाप्त होती है। रात को आप 12 बजे ये साधना शुरू करते हैं और रात्रि को 4-5 बजे तक ये साधना चलती है 5 घंटे तक में। 5 घंटे में लगभग आपको 1108 आहुति पूरी हो जाती हैं, और ये साधना 100% सफल होती हैं। कोई भी कार्य हो, चाहे लड़की के ऊपर कोई भी तंत्र मंत्र काला जादू कर दिया हो या कोई भी साधना की हो, इस प्रकार से अगर विधि विधान से जो मैंने मंत्र बताया है उसकी आहुति 1108 आहुति देने के बाद में आपको दूसरे या तीसरे दिन ही रेस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाता है। लव ब्रेकअप हो गया है या आपकी पत्नी आपको छोड़ के चली गई है या कोई भी कारण रहा हो, आप जो भी कारण रहा वो कारण दूर हो जाता है और आप दोनों का वापस मिलन हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये साधना अमावस्या की माँ शक्तिशाली फोटो से वशीकरण साधना सफल सिद्ध होती है। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों यदि हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले प्रोग्राम का आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।